किन्हीं भी दो डेट्स के बीच में हमारे डेटा के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं। अभी इस डेटा के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हैं 1000। अगर हम डेट्स को देखें तो वो भी सीरियल वाइज नहीं है, तो डेटा हमारा टोटली मिक्सअप है। अब यहाँ पर हमको किन्हीं भी दो डेट्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डेट डाल देते हैं, तो ये दो डेट्स हमने यहाँ पर डाल दी हैं। अब इन डेट्स के बीच में नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी कितनी है उनको हम यहाँ पर निकालते हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्वल काउंट इफ्स। सबसे पहले हम क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा हमारा डेट वाला कॉलम, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमको बताना है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग डेट। डेट को सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, हम टाइप करेंगे कोटेशन मार्क ग्रेटर देन इक्वल अगेन कोटेशन मार्क, एंड का साइन लगाएंगे और अपनी स्टार्टिंग डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने बताया अगर इस रेंज के अंदर कोई भी डेटा अगर इस डेट या इस डेट से बड़ा है तो वो सारा डेटा हमको मिल जाए। इसके बाद अब जो डेटा हमको मिलने वाला है वो डेटा हमको कहाँ तक का चाहिए, फॉर्मूला यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वापस से क्राइटेरिया रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया रेंज है हमारा डेट वाला कॉलम, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब हमें बताना है क्राइटेरिया, तो अब क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा एंड डेट, इसको भी हम ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। हम टाइप करेंगे कोटेशन मार्क लेस देन इक्वल अगेन कोटेशन मार्क, एंड का साइन लगाएंगे और एंड डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी निकल कर आ गई हैं। अगर यहाँ पर हम डेट चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट भी चेंज होकर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि दो डेट्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को हम कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही दो डेट्स के बीच में कौन कौन सी एंट्रीज हमारी आ रही हैं उनको हम कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।